जागृत होता नहीं रहता, ठीक है, हिम्मत रखनी है, खुदा पर जो है भरोसा रखना है। उन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। शहीद हुआ है क्या? मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शहीद अब्दुल मजीद के वालिद को कि जिसने आज कमांडर साहब के सामने इतना बड़ा बहादुराना बयान दिया कि मेरा एक बेटा और है, अगर वो भी देश के लिए अपनी जान निछावर करेगा तो वो भी कम है। मैं ये कहता हूँ कि ये बात कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इन्होंने तो वाकया प्रैक्टिकली साबित करके दिया कि उनके एक बेटे ने अपनी जान को अपने देश की आन शान बान को कायम रखने के लिए, देश के झंडे को बुलंद रखने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं अपने मुल्क की आर्मी को सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे मुल्क में अमन बनाए रखा है और देश से दहशतगर्दों को बिल्कुल भगा दिया और ऑलमोस्ट पीसफुल कर दिया पूरे मुल्क को। तो मैं इस शहीद अब्दुल मजीद जो हमारा बेटा पुंछ का था जिसने अपनी शहादत दी, ये पूरे पुंछ के लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन साथ साथ में ये दुख की बात भी है
कि एक बाप का बेटा जो इस दुनिया से चला गया और जान जो है वो अपनी कुर्बान कर दी। मैं इस दुख की घड़ी में हमारे देश के और बच्चे जिन्होंने अपनी जान को निछावर किया, वो देश के अन्य राज्य जो हैं दूसरे हिस्सों से हैं, उनके इस दुख की घड़ी में भी हम साथ हैं। पूरा मुंच जो है सोगवार है मजीद की मौत पर। शुक्रिया शुक्रिया। जो आप ही के इलाके का, हमें बड़ा दुख है इसका कि कल हमारे चार फौजी अफसरान और जवान जो शहीद हुए हैं, और फिर गर्व भी है कि इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। आज उनके फादर की बात हम सुन रहे थे कि मेरा एक और बेटा है, अगर वो भी देश पर कुर्बान हो जाए तो हम उसको भी पीछे नहीं रखेंगे। तो हम इस दुख में इस परिवार के साथ और जो दूसरे फौजी हैं उनके साथ भी हैं। पूरी आर्मी ने जिस बहादुरी से लड़ा है उसके लिए भी हम उनकी दाद देते हैं, और हम अपनी तरफ से जो है इस फैमिली जो जिनका ये दूसरी शहादत हुई है, इनके इस दुख में इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे इनके साथ। और देश के लिए हमारे लोगों ने राइट फ्रॉम 47 से लेकर आज तक, चाहे वो फौजी हूँ या सिविलियन हूँ, उन्होंने अपनी जानें निछावर की हैं, और आगे भी पुंछ के लोग जो हैं इसी तरह डट के जो है दुश्मन का मुकाबला करते रहेंगे। बड़े अफसोस और बड़ा दुख का मुकाम है। ये अब्दुल हमीद साहब हमारे इस इलाका गांव पुंछ के रहने वाले थे, तो उनके साथ और भी तीन लोग शहीद हुए। उनमें भी शहादत थी, दो हमारे कैप्टन थे। मैं उन जितने भी शहीद हैं उन तमाम के घर वालों को इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये फख्र का मुकाम है कि इन शहीदों ने शहादत देकर इस नाम को ऊंचा किया, अपनी धरती के लिए शहादत दी, और ये गर्व का एक मुकाम है। मैं इनके माँ बाप को भी मुबारक देता हूँ। अब्दुल हमीद साहब के वालिद मोहतरम ने कहा कि मेरे बेटे ने मुल्क के लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान की है, तो मैं ऐसे माँ बाप को भी सलाम करता हूँ और ऐसे देशवीरों को भी सलाम करता हूँ जो मुल्क की खातिर अपनी जान का निजाना पेश करके इस धरती को, इस धरती के दामन पे गलत लोगों से छुटकारा जो है वो करवाते हैं।